नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर सौरव जोशी के बारे में। कैसे रहा इनका 0 से 10 मिलियन तक का सफर, कैसे उत्तराखंड में पूरी दुनिया में छा गए, तो चलते हैं इनके बारे में जानने। जानने से पहले मेरा वीडियो लाइक एवं चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सौरव जोशी का जन्म उत्तराखंड में 8 सितम्बर 1999 में हुआ था। ये सामान्य परिवार से आते हैं। सौरव जोशी के माँ का नाम होम जोशी है, वहीं उनके भाई का नाम साहिल जोशी है। पीयूष जोशी जो उनके वीडियो में आते हैं, वो उनके अपने भाई नहीं है, वो उनके चाचा के बेटे हैं। पीयूष सौरव के चचेरे भाई हैं। सौरव, साहिल और पीयूष अपने माता पिता के साथ हल्द्वानी में रहते हैं। पहले वो देहरादून में रहते थे। सौरव के दादा दादी भी हैं, जो कभी उनके साथ तो कभी अपने गांव में रहते हैं, जबकि उनके चाचा चाची गांव में ही रहते हैं। सौरव जोशी के पास एक डॉग भी है जिसका नाम ओरिया है। अगर सौरव जोशी के अर्निंग की बात की जाए तो वो 1 करोड़ के आसपास कमाते हैं। उनके महीने का अर्निंग 15 से 20 लाख है। उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब ही है। उनके पास के बाद स्पॉन्सरशिप है। सौरव जोशी शुरू में 8 चैनल चलाते थे, बाद में उन्होंने लॉकडाउन में एक ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया और आज भी वो अपना 8 चैनल चलाते हैं। सौरव जोशी हर दिन एक वीडियो डालते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए उनका वीडियो हर दिन सुबह 8 बजे आ जाता है। इसी मेहनत के कारण वो आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं।